भारतीय जनता पार्टी के मीडिया संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भूपे ऐप की लॉन्चिंग की। निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूरत भी मौजूद रहे। भाजपा का कहना है कि इस ऐप को खोलते ही कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की जानकारी मिलेगी। भाजपा ने दावा किया है कि भूपे ऐप खोलते ही कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की डिटेल मिलेगी। डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तरह भूपे ऐप को बनाया गया है। भूपे ऐप में शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, भ्रष्टाचार, कोरोना काल में दिए जाने वाले अतिरिक्त चावल में घोटाला, गौठान घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव सट्टा ऐप के बारे में जानकारी मिलेगी। मीडिया के मेरे मित्रों, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का एक राज्य का रूप देने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। एक सोच, एक सपना कि कैसा राज्य खड़ा करेंगे जहां जिन लोगों की पहचान मध्य प्रदेश के समय इस क्षेत्र के साथ एक तरह से भेदभाव होता था, तो छत्तीसगढ़ को हम अग्रणी राज्य बनाएंगे। और आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी, उससे पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। तो समझ लीजिए छत्तीसगढ़ के सामने क्या चुनौतियां रही होंगी। लेकिन जब यहां पर कमल खिला, तब डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने वो विकास किया कि एक के बाद नए आयाम स्थापित। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता बृजमोहन जी, राजेश जी से लेकर अन्य उस समय के मंत्री भी यहां पर बैठे थे, इनका बहुत बड़ा सबका योगदान था। लेकिन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर दिया, छत्तीसगढ़ को बेहाल कर दिया। और ये तो होना ही था जब किसी ने गंगा जल की कसम खाकर कहा हो कि शराब मुक्त कर देंगे, शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे और घर घर शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी हो, तो समझ सकते हैं क्या हुआ। एक तरफ मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा किया था कि विदेशी धरती से 23,000 भारतीय छात्र छात्राओं को बम धमाकों के बीच में से सुरक्षित निकाल कर लाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए ऑपरेशन गंगा चलाकर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाकर लाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गंगा जल की सौगंध खाकर शराब की नदियां बहाने का काम करते, शराब घोटाले करते हैं। कितने का? अरे दिल्ली वालों ने 100-150 करोड़ का किया तो जेल में है, या तो 2,000 करोड़ से का ज्यादा होगा। इनका स्थान भी कहां होगा ये सबको पता है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें जरूर करूंगा, क्योंकि युवा साथियों के बीच में पिछला कार्यक्रम करके आया, रोजगार तो दिया नहीं बेरोजगार बनाया, फिर बेरोजगारी भत्ते का वायदा किया था तो 30 महीने होने जा रहे हैं, वो वायदा भी पूरा नहीं किया। 39,000 के लगभग बच्चों की मौत हो गई जनजातीय क्षेत्र, एक बच्चे की मृत्यु भी हो जाए तो दर्द होता है, यहाँ 39,000 बच्चों की मृत्यु हो गई। भूपे करो और मस्त रहो। हजारों कर्मियों को, चाहे दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे हमारे विद्या मितान हो, चाहे हमारे अतिथि शिक्षक हो, आंगनबाड़ी, सबको सड़कों पे आने पड़ा, रुलाए। किसानों का 2 वर्ष का बकाया बोनस वो नहीं दिया, कहा था मंडी टैक्स हटाएंगे लेकिन दुगना कर दिया। अब इन सब बातों में जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए, 36 किए पूरे नहीं किए, इनके वायदे किए लेकिन पूरे नहीं किए। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ यूनिट को, जिन्होंने आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रदेश और देश की जनता को जागरूक करने का एक नया कदम उठाया है।
और नाम भी बड़ा शानदार दिया है, भूपे। क्या नाम दिया है भाई? आवाज आई ने क्या नाम दिया है? छत्तीसगढ़ वालों को तो आदत पड़ गई है, भ्रष्टाचार करो और क्या करो, चावल घोटाला करो और क्या करो, शराब घोटाला करो फिर क्या करो, गोबर घोटाला करो फिर क्या करो, गोठान घोटाला करो फिर, कोयला परिवहन घोटाला फिर, कोरोना घोटाला फिर, पीएम गरीब अन्न कल्याण घोटाला फिर, सट्टा स्कैम फिर, चावल घोटाला फिर, यूरिया घोटाला फिर, पीएससी घोटाला फिर, डीएमएफ घोटाला फिर, अब घोटाले पे घोटाला करो फिर। ये तो ऐसा हाल हो गया है कि सब कुछ लूट लिया, सौम्या चौरसिया जी का नाम इस एक वीडियो में दिखाया गया। हमें वहां के अधिकारी पूछ रहे थे कि इसलिए क्यों वापस राज्य में छत्तीसगढ़ अधिकारी वापस जाने की कोई चर्चा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये ऐप 5 साल में हुए घोटाले को बताएगी। छत्तीसगढ़ में अब परिवर्तन जरूर होगा, कांग्रेस के खोखले वादे से लोगों में भारी असंतोष है। पत्रकार मित्रों, सभी वरिष्ठ, आज छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार का ब्यौरा देने जनता को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान प्रारंभ किया है और एक वेबसाइट भूपेकरो.com लॉन्च कर रही है। ये वेबसाइट देश में चलने वाले प्रसिद्ध UPI ऐप्स फोन पे पेटीएम की तर्ज पर QR कोड को मोबाइल से स्कैन करने पर खुलेगी। ये वेबसाइट में छत्तीसगढ़ सरकार के भ्रष्टाचार जो 5 साल में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसकी डिटेल जानकारी दी जाएगी।